क्या आपको मालूम है कि मार्च जो महीना है उस मार्च शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको बता दूं कि मार्स से ही मंगल, यानी मार्स से ही मार्च का नाम निकला है, यानी मंगल से ही मार्च की उत्पत्ति हुई है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 19, मंगल ग्रह की सतह पर वायुमंडलीय दबाव बेहद कम है, यही कारण है कि इसकी सतह पर लंबे समय तक तरल पानी मौजूद नहीं रह सकता है। फैक्ट नंबर 18, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि हमारी पृथ्वी में एक साल में 365 दिन होते हैं, वैसे ही मंगल ग्रह में एक साल में 687 दिन होते हैं। मंगल ग्रह में एक दिन की लंबाई 24 घंटे 37 मिनट होती है, यानी कि दुगना फर्क है, और इसी वजह से मंगल ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण चक्कर लगाने में पृथ्वी से दुगना समय लगता है। फैक्ट नंबर 17, मंगल ग्रह पर एक चीज ऐसी है जो धरती से बिल्कुल मिलती जुलती है। धरती की तरह मंगल ग्रह पर भी चार मौसम होते हैं, जैसे कि धरती में पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत, वैसे ही मंगल ग्रह में भी यही चार मौसम। हालांकि धरती की तुलना में मंगल पर हर मौसम लगभग दोगुना वक्त लगाता है। फैक्ट नंबर 16, मंगल ग्रह पर एक और चीज़ जो धरती से बिल्कुल मिलती जुलती है, दरअसल धरती और मंगल ग्रह दोनों ही चार परतों से बने हैं। पहली परपटी यानी क्रस्ट, और दूसरा मेंटल जो सिलिकेट पत्थरों से बना है, और तीसरा और चौथा बाहरी कोर और आंतरिक कोर, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये धरती की कोर की तरह है, लोहे और निकिल से बने हो सकते हैं। वैसे इसके बारे में अभी तक पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। फैक्ट नंबर 15, यूनान के जो लोग हैं मंगल को युद्ध का देवता मानते हैं। माना जाता है कि युद्ध के रोमन देवता मार्स के नाम पर ही इस ग्रह का नाम मार्स प्लैनेट पड़ा था। फैक्ट नंबर 14, मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कम होने की वजह से मंगल ग्रह पर आप पृथ्वी की तुलना में 3 गुना ज़्यादा उछल सकते हो। फैक्ट नंबर 13, सौरमंडल में ज्ञात सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत मंगल ग्रह पर ही है। ओलंपस मून से 21 किलोमीटर ऊंचा और 600 किलोमीटर व्यास की ढाल वाला ज्वालामुखी है, जो कि अरबों साल पहले बना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ज्वालामुखी वर्तमान में भी सक्रिय है। फैक्ट नंबर 12, नासा के अनुसार अगर पृथ्वी से मंगल ग्रह की यात्रा करें तो हमें 2.5 साल लगेंगे। फैक्ट नंबर 11, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि पृथ्वी की सतह से बुध, बृहस्पति और मंगल, शनि और शुक्र को हम अपनी नग्न आंखों से देख सकते हैं। शायद आप या मैं कभी ना कभी अनजाने में यह ग्रह जरूर देखे होंगे, लेकिन हमें यह मालूम ही नहीं चल पाता है कि ये कोई ग्रह भी है। बहुत से ऐसे डिवाइस या एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम इन सभी ग्रहों को देख सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आकाश में रात में बहुत सारे तारों के बीच में एक तारा चमक रहा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा लाल रोशनी से चमकता है, वही मंगल ग्रह होता है। अगर आपके पास टेलीस्कोप है तो आप बड़ी आसानी से ही इन ग्रह को देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, सौरमंडल में सबसे लंबी और सबसे गहरी घाटी मंगल ग्रह पर ही मौजूद है, जिसका नाम वैलिस मैरिनेरिस है। इसकी अधिकतम लंबाई 4000 किलोमीटर और चौड़ाई 200 किलोमीटर और इसकी अधिकतम गहराई 7 किलोमीटर है। फैक्ट नंबर 9, जैसे कि पृथ्वी में जब शाम को सूरज छिपता है तो छिपता सूरज का कलर लाल होता है, वैसे ही मंगल ग्रह में हर शाम को छिपता सूरज नीला रंग का होता है। फैक्ट नंबर 8, धरती की तुलना में मंगल ग्रह का लगभग इसका आधा है। जहां धरती का व्यास 7926 मील है तो वहीं मंगल का व्यास 4220 मील है, लेकिन अगर वजन की बात की जाए तो मंगल धरती के 10वें हिस्से के बराबर है। फैक्ट नंबर 7, मंगल ग्रह में गर्मियों में 30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है और जाड़े में यह शून्य से घटकर 140 डिग्री तक चला जाता है। फैक्ट नंबर 6, धरती की तुलना में मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अलग है, मतलब धरती पर 100 पाउंड वाला व्यक्ति मंगल ग्रह पर 38 पाउंड का हो जाता है, यानी कि अगर पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का वजन 45 किलो है तो उसका मंगल ग्रह पर वजन 17 किलो हो जाएगा। फैक्ट नंबर 5, मंगल के पास एक नहीं बल्कि 2 चांद हैं। जी हाँ, एक नहीं बल्कि 2 चांद हैं। एक का नाम फोबोस और जिसका व्यास 13.8 मील है, जबकि दूसरा डेमियोस जिसका व्यास 7.8 मील है। फैक्ट नंबर 4, मंगल के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड, 1.9% आर्गन, 0.14% ऑक्सीजन और 2% नाइट्रोजन है। साथ ही यहाँ के वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड के निशान पाए गए हैं। फैक्ट नंबर 3, मंगल ग्रह पर 1960 में पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया था, हालांकि यह मिशन विफल रहा था। फैक्ट नंबर 2, मंगल ग्रह की सूर्य से दूरी लगभग 142 मिलियन मील है। फैक्ट नंबर 1, अब अगर बात आती है कि वाकई मंगल ग्रह में जीवन संभव है या नहीं, तो इस क्षेत्र में धरती के अलावा जीवन की संभावनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। नई खोजों से यह पता चलता है कि मंगल ग्रह पर, यानी मंगल ग्रह पर पानी तो मौजूद है, लेकिन इतने से जीवन की संभावनाओं के बारे में निष्कर्ष नहीं तक पहुंचा जा सकता है।
इसी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि मंगल ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं है। वैसे अभी यहाँ पर इसकी पड़ताल चल रही है। मंगल ग्रह के ये रोचक फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। इसी के साथ चलते हैं, जय हिंद जय भारत।